हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटेक एजुकेशन। मैं मोहन न्यू टॉपिक के साथ आया हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेज़र मेथड्स के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, डिसइन्फेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, तो डिसइन्फेक्शन के अंदर हमने देखा था कि डिसइन्फेक्शन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला था हमारा माइनर मेथड, दूसरा था हमारा मेज़र मेथड। ठीक है, तो माइनर मेथड्स को हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके थे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे मेजर मेथड्स। और मेजर मेथड्स के अंदर हम पहला मेथड देखने वाले हैं, वो है क्या, क्लोरीनेशन। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि क्लोरीनेशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एंड बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्लोरीनेशन यहाँ पर लिखा है, इसके नाम से ही आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्लोरीनेशन जो भी प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे, क्लोरीन से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये क्लोरीन से रिलेटेड है इतना मुझे पता चल चुका है। तो मैं अब क्या करूँगा कि क्लोरीनेशन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या होता है, जब मैं क्लोरीन में वाटर मिला देता हूँ, क्लोरीन में मैं क्या मिला रहा हूँ, वाटर, और उस वाटर की पीएच मैंने ग्रेटर देन 5 रखी है, तो मुझे HOCl प्लस HCl का फॉर्मेशन मिलेगा। सिंपल सी लैंग्वेज, जब हम, जैसे कि इसके अंदर हमारी क्लोरीन थी, इसके अंदर हमने पानी मिलाया, डेट इज़ वाटर, तो मुझे क्या फॉर्मेशन मिलेगा, HOCl प्लस HCl का फॉर्मेशन मुझे मिला है। क्लियर है? अब एक बात और मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ से, कि जो HOCl हमें मिला है, ये HOCl क्या है, हमारा अनस्टेबल है। ध्यान देना कैसा है, अनस्टेबल। ठीक है, अब ये HOCl हमारा अनस्टेबल है, तो आप जानते हैं कि कोई भी अनस्टेबल चीज़ें कुछ ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकती। ये क्या करेगा, डिसोशिएट होगा या ब्रेक होगा। ठीक है, और जैसे ही हमारा क्या HOCl ब्रेक होगा, HOCl को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। क्लियर है, तो HOCl हमारा ब्रेक होके हमें क्या फॉर्म करेगा, H प्लस आयंस एंड OCl नेगेटिव आयंस। ठीक है, H प्लस आयन और OCl नेगेटिव आयंस। अब ये OCl नेगेटिव आयंस को हमने क्या बोला, हाइपोक्लोराइट आयंस। ठीक है, और H प्लस आयंस हमारे क्या है, हाइड्रोजन आयंस। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो बात है जो आपको ध्यान रखनी है, कि अगर पीएच ग्रेटर देन 8 रहेगा तो हमारा HOCl क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, और अगर पीएच हम क्या बोल सकते हैं, अगर पीएच हमारा लेस देन 7 है तो HOCl क्या होगा, स्टेबल। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए पहली बात। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला कि अगर पीएच ग्रेटर देन 8 पर ये अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, डिसोशिएट होगा, और डिसोशिएट किस में होगा, एच प्लस प्लस ओ सी एल नेगेटिव में। ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल था। वहीं अगर मैं बोलता हूँ कि पी एच लेस देन 7 पर ये मेरा क्या है, स्टेबल है। अब बताओ, अगर कोई इंसान स्टेबल है या कोई सा भी चीज़ स्टेबल है, तो क्या वो ब्रेक होना पसंद करेगा, नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारी जाएगी। ठीक है, तो एक बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि अगर पीएच हमारा क्या, पीएच ग्रेटर देन 8 है तो HOCl हमारा क्या है, अनस्टेबल है। वहीं पीएच अगर लेस देन 7 है तो HOCl हमारा क्या है, स्टेबल है। क्लियर है ये बात? तो मैं क्या बोलूँगा, ये यहाँ तक बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया है। अब आगे हम बात करते हैं कि मैं जानता हूँ कि लोअर पीएच पर ये मेरा ज़्यादा स्टेबल है, तो एक बात और बोल सकते हैं हम कि लोअर पीएच पर ये ज़्यादा स्टेबल है तो लोअर पीएच पर ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, किससे इफ़ेक्टिव होगा, मोर देन दिस OCl नेगेटिव से। ठीक है, तो एक चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमारा लोअर पीएच हमने लिया है, तो लोअर पीएच पर हम बोल सकते हैं कि
क्या HOCl हमारा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ से एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि लोअर pH पर, कितना लोअर pH पर मेरा HOCl ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू OCl नेगेटिव के। और एक और बात मैं बोल सकता हूँ कि HOCl मेरा है 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन व्हाट OCl नेगेटिव इन pH रेंज ऑफ, कितनी pH रेंज के अंदर, ये ध्यान देना कितनी pH रेंज के अंदर। pH रेंज कहाँ होनी चाहिए हमारी, वो होनी चाहिए हमारी 5 से ज़्यादा, वहीं 7 से कम। मीन्स pH रेंज 5 से 7 के बीच में मेरा HOCl ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू OCl माइनस, और वो होता है 80 टाइम्स मोर। ये बात क्लियर हो गई, वही मैंने इस पॉइंट में लिखी है, आप लोग इसको पढ़ लेना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, उसका आंसर हम लोग आपको बहुत जल्दी ही देंगे, ठीक है। एक और बात मैं कर लेता हूँ आपसे, वो है कि pH अगर हम 10 से ज़्यादा रख रहे हैं तो केवल और केवल हमें OCl मिलेगा। मीन्स अभी मैंने आपको क्या बताया, इस रिएक्शन में देखो pH ग्रेटर देन 10 पर मुझे केवल OCl नेगेटिव और H प्लस मिल रहा है, तो pH अगर मैं 10 तक रख रहा हूँ तो मुझे केवल और केवल OCl का फॉर्मेशन मिलेगा, क्लियर है बात। वहीं अगर हमने बात करी कि वाइल pH अगर हम लेस देन 7 रखते हैं और मोर देन 5 रखते हैं तो HOCl हमें ज़्यादा मिलेगा, और अगर pH हम 5 से भी कम कर देंगे तो ये क्लोरीन रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। सो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको देता हूँ। अब रीज़न क्या है, पहली बात तो हम देख लेते हैं कि जो क्लोरीनेशन का ऑब्जेक्टिव था वो था कि स्लज को रोकना और ओडर को रोकना, गंदी स्मेल ना आए उसको रोकना क्लोरीनेशन का हमारा मेन मुद्दा था, ठीक है। और क्लोरीनेशन का यूज़ हम करते हैं बड़े बड़े प्लांट्स में, लार्ज सिस्टम में, जहाँ पर हमको बहुत सारा इन्फेक्टेड वाटर है या रो वाटर इसको हम बोलते हैं, इन्फेक्टेड वाटर है और इसको हमको डिसइन्फेक्टेड करना है, तो वहाँ पर हम क्लोरीनेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन है मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि क्लोरीन बेस्ड डिसइन्फेक्टेंट रिलीज HOCl एंड OCl नेगेटिव। कोई सा भी ऐसा डिसइन्फेक्टेंट जिसमें क्लोरीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उससे ये दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्शन कोफिशियंट के ए, उसको हमने डिफाइन किया है कैसे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। यहाँ पर ये ब्रैकेट हमारा डिनोट करता है कंसंट्रेशन को, आपको पता होगा, ठीक है। तो के है जो क्या रिएक्शन कोफिशियंट है हमारा, वो क्या है, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट अपॉन रिएक्टेंट की रिएक्शन कंसंट्रेशन, सॉरी, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, और ये हमारी क्या है, रिएक्टेंट है, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब तो यहाँ से एक बेसिक सी चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि इस रिएक्शन को देखते हुए या इसको देखते हुए मैंने यहाँ पर बात करी क्या कि इस pH रेंज में हमारा HOCl ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू OCl नेगेटिव के। ये आपको क्लियर कर दिया मैंने पहले ही। अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर pH रेंज हमारी कितनी है, pH अगर हमारा है 7 से 5 के बीच में या 5 से 7 के बीच में, तो हमें HOCl बहुत ज़्यादा मिलेगा, अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तो हमें pH की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो ये यहीं पर एक्सप्लेन किया गया है, लिखा गया है कि अगर pH हम 7 ले रहे हैं तो हमें इतना HOCl मिलेगा, वहीं अगर pH हम 7.8 लेंगे तो 33% HOCl मिलेगा, वहीं अगर हम pH 10 कर देंगे तो हमें पूरा का 0% HOCl मिलेगा, क्लियर है ये बात। सो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं कि HOCl फ्रैक्शन इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा, मीन्स हम बोल सकते हैं क्या HOCl हमारा बढ़ेगा जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, या वाइसी वर्षा हम बोल सकते हैं इसको, ये दोनों वजह से काम करेगा, क्लियर है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ HOCl एंड OCl नेगेटिव इज नोन एज फ्री रेसिजुअल क्लोरीन। अब फ्री रेसिजुअल क्लोरीन क्या है हम आगे वाली वीडियोस में देखने वाले हैं, ठीक है।
तो ये पूरे का पूरी चीज़ हमने क्लियर कर दिए। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका आंसर आपको और बेटर तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या, जो हमारे इम्पोर्टेंट्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अफेक्ट कर रहे हैं डिसइंफेक्शन को, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले। सो थैंक यू।